गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी नाश्ता मॉर्निंग के टाइम में, वो भी पोहे से। तो ये इस नाश्ते को आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी लोग बहुत ही इसे पसंद करेंगे और बहुत ही ये सॉफ्ट बनता है, उतना ही चटपटा और मुलायम बनता है। तो इसे बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद भी ऑफिस वगैरह लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है, तो जरूर से इसे ट्राई करिएगा। ये एकदम आसानी से बन जाता है, घर के बेसिक चीजों से बन जाता है। इसमें कुछ भी आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, सभी के घर पे वो चीजें अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना क्या है, पोहा लेना है। पोहा हमें इतना लेना है जितना कि हमारे फैमिली में मेंबर है उसी हिसाब से लेना है कि सब लोग पराठे मतलब ब्रेकफास्ट कर पाए। तो यहाँ पे मैं दो बड़े कप से पोहा ले रही हूँ। ये पोहा जो है ये देसी पोहा है, गाँव का है, तो इसमें स्टार्च वगैरह ज्यादा होता है। इस वजह से इस पोहे को हम तीन से चार पानी अच्छे से धुलेंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पानी डाल के कि इसमें कितने ज्यादा स्टार्च निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पानी डालने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मसलना पड़ेगा। जितना आप मसलेंगे उतना ही इसमें से स्टार्च वगैरह निकलेगा। और इस तरह से हम चार पानी इसे धुलेंगे, धुल के एकदम इसे फ्रेश कर लेना है। तो देहात का जो पोहा होता है वो तो बहुत ही मतलब हेल्दी होता है और अच्छा भी होता है, बहुत लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है पानी में। ये काफी स्ट्रांग होता है, पानी में बहुत जल्दी फूलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, धोने के बाद ये कितना फ्रेश दिख रहा है। अभी इसे हम थोड़ा सा मतलब हल्का सा पानी डाल के और 15 मिनट के लिए इसे हम थोड़ा भिगो के रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें बहुत ज्यादा पानी ऐड मत करिएगा, नहीं तो आपको पराठे बनाने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी डाल के और इसे हमें रख देना है। जैसे ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा एकदम खिला खिला सा ये हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो 15 मिनट इसे हम रखते हैं। 15 मिनट बाद इसे हम चेक करते हैं तो देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, कितना अच्छा से ये ड्राई हो चुका है। और जैसे ये ड्राई हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसे करना क्या है, अगर आप रेडीमेड पोहा लेंगे, पैकेट वाला लेंगे, बहुत ही बारीक आता है वो, तो हाथों से ही मसला जा सकता है, लेकिन इसे हम हाथ से नहीं मसल सकते, हार्ड है थोड़ा। तो इसे हम मिक्सी में डाल के दो तीन राउंड बस घुमा लेना है कि ताकि ये कट हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा इसमें मतलब ये डो फॉर्म में थोड़ा सा आ जाए, बस इस वजह से हमें थोड़ा सा मिक्सी में डाल के और इसे चला लेना है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे पीस लेना है, बिना पानी का इसे हमें ड्राई ही पीसना है। तो यहाँ पे हम एक राउंड पीस चुके हैं, अब दूसरा राउंड हम जा रहे हैं पीसने। फटाफट से सारे पोहे को हमने यहाँ पे पीस लिया है फ्रेंड्स। पीसने के बाद ये काफी चिपकता है, लेकिन ये चिपके ना इसके लिए हम कुछ मतलब इसमें सीक्रेट चीजें ऐड करेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। अब इसे हम अच्छे से गूथ लेंगे, हाथों में पानी लगा के इसे अच्छे से मसल लेना है बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए, लग रहा है कि एकदम ये रोटी वाला डो बन गया है, बहुत ही इसमें मिठास है। और ये जो देहात गांव का पोहा होता है बहुत ही मीठा होता है। अब इसमें हम डाले हैं एक कप गेहूं का आटा और एक छोटे कप से बेसन। बेसन आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा चेंजेस के लिए हमने बेसन ऐड किया है। और यहाँ पे बेसन और गेहूं के आटे को अच्छे से हम मिक्स करेंगे पोहे के अंदर, ताकि जो पोहे में मॉइस्चर वगैरह है सब ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से पहले हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से इसके मतलब जो पराठे बनते हैं बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजों को हमने मिक्स कर लिया है आपस में। पानी का यूज अभी नहीं करना है फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में पानी का यूज करना है जब हमारा डो नहीं बंधेगा तब। यहाँ पे मैं कटा हुआ कढ़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। कढ़ी पत्ता की जगह पर आप धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, और कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च तो वैसे भी आप लोग टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम ही डालें। और दो बड़े साइज के प्याज को मैंने एकदम बारीक कट किया है, फाइनली आप चॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हमने डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने एकदम फ्रेश ताजा कद्दूकस किया हुआ लहसुन लिया है और अदरक लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट का भी यूज किया जा सकता है इस रेसिपी में। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश डाला है, और तीन मतलब छोटे साइज के आलू को हमने कद्दूकस किया है,
अच्छे से। आलू तो बच्चों का फेवरेट होता है, तो आलू जरूर डालिएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ ऑनियन से ही इसे बना सकते हैं। तो इसमें अपने मनपसंद की सब्जी आप डाल सकते हैं, गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, तो आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो, विंच हुआ, सारी चीजों को इसके अंदर आप डाल सकते हैं, आपकी च्वाइस है। लेकिन हाँ, जो मतलब मैंने मेजरमेंट बताया है उसका ध्यान रखिएगा, तभी जाके पराठे आपके सॉफ्ट मुलायम बनेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजों को हमने मिक्स करके देख लिया कि हमें पानी की कितनी जरूरत है। अब यहाँ पे चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इस पराठे को। और धनिया पाउडर के बाद थोड़ा सा हल्दी, कलरफुल के लिए। हल्दी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, वो आप सबको भी पता है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, हरी मिर्ची हमने डाला है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। और जो हम डेली यूज में सब्जी मसाले यूज करते हैं, उस मसाले को हम एक चम्मच इसमें डाल दिए हैं, जिससे कि चटपटा सा पराठा तैयार हो। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हल्का ही रखना है, इसे हम चाय चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं, तो ज्यादा नमक इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब हल्का सा पानी का छिड़काव मारेंगे इस पे और इसे हम इकट्ठा करेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, बस हल्का सा छींटा लगाइए ताकि ये डो बन जाए और इकट्ठा हो जाए। तो इस वजह से इस तरीके से हम इसे इकट्ठा करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा हाथों को दबा के मसले इसे, ताकि ये सारी चीजें आपस में मिक्स भी हो जाएं और बहुत ही मुलायम सा डो भी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, हमने सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जो पोहा है बहुत चिपकता है, तो हाथों में ऑयल लगा के इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे फटाफट से। थोड़ा थोड़ा चिपका इसे हम सब निकाल लेते हैं धीरे धीरे करके। बिन पानी का ये डो बहुत बढ़िया से बन चुका है। स्टार्टिंग में पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। आलू में भी बहुत सारे मॉइस्चर थे, उससे भी आटा हमारा गुथ गया है। प्याज में भी थोड़ा था, तो यहाँ पे मैंने इसे सारे को इकट्ठा करके थाली में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे साइड ढक देते हैं। और पराठे को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन फाइनली तो फटाफट से सुबह के टाइम में इसे गोल ही बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो जल्दी बनाने के लिए मैं पॉलिथीन का यूज कर रही हूँ। वैसे तो वो ऐसे सूखा आटा लगा के गोल भी बन सकता है, लेकिन हमें फटाफट से इसे रेडी करना है, इस वजह से मैं पॉलिथीन का यूज कर रही हूँ। पॉलिथीन पे हमने ऑयल लगा लिया है, एक बड़ी सी लोई रखना है और इसे अच्छे से दबा लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हाथों से इस तरह से फैलाते हुए भी मोटा पतला अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा मोटा, कैसे भी आप इसे बना सकते हैं। पॉलिथीन का यूज करेंगे तो कंफर्टेबल फील करेंगे आप। तो यहाँ पे एक पराठा हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है बनके। अब हम जा रहे हैं गैस के पास इसे सेकने, और दूसरा भी, दूसरा बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। दूसरा इस तरीके से बनाना है कि एक लोई रख देना है और एक मोटे दल की थाली या प्लेट लेना है, जिससे कि हम इसे दबा सके। दबाने पे क्या होगा कि इसका शेप एकदम गोल आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेयर मोटा हो जाएगा, इसलिए हम हाथों से उसको सेट कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़ा मोटा पसंद है पराठा तो ऐसे ही रहने दे, बस दबा के फटाफट सेक ले। लेकिन मुझे थोड़ा सा पतला चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे हाथों से बढ़ा लेती हूँ। तो दोनों तरीके से जरूर बना लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे। गैस के पास चलते हैं। इस पराठे को हमें सेकना है लोहे के तवे पे नहीं, नॉन स्टिक तवे पे हमने डाल दिया है। और गैस का फ्लेम हाई रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे नहीं सेकिएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं सीकेगा अंदर से। तो मतलब सीख तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लेगा ये, इस वजह से हमें इसे हाई फ्लेम पे सेकना है। और थोड़ा सा ये टूट गया है, लेकिन मैं दूसरा डालूंगी तो आपको दिखाती हूँ। ऑयल अच्छे से लगा देना है, ये बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार होता है। बस हल्का सा इस पे ऑयल की जरूरत है, बहुत ज्यादा ऑयल की भी जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। अब इसे हम पलट के दूसरी साइड भी ऑयल लगा लेते हैं। देखिए कितना मतलब लेयर इसका पतला है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स। तो इससे हेल्दी मुझे नहीं लगता है कि सुबह में कोई नाश्ता होगा, और इतना जल्दी बनने वाला, इतना झटपट और इतना टेस्टी बनने वाला। तो बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, तो आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा। सारे पराठे को हम इसी तरीके से बना रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए पहले बना लेते हैं सभी पराठे को। देखिए मेरा पराठा जो है ये सीख चुका है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ।
कहीं से इसमें कोई भी कच्चापन नहीं है, बहुत अच्छे से ये सिका है। इसे थोड़ा थोड़ा सा आप दबाएंगे तो जो भी कच्चापन इसमें है वो निकल जाएगा। तो फटाफट से इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं सारे को। देखिए कितना बढ़िया लुक आया है, कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी नाश्ते की। तो आप सबको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू लोग हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।